नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं इंदौर की खबरों की। और इंदौर पुलिस और फरियादी के बीच का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल यहां लसुड़िया थाना क्षेत्र के गुलाबा कॉलोनी में रहने वाले हेमंत जैन पूल क्लब संचालक और खिलौने के व्यापारी 14 जुलाई को अपने घर से दूध लेने का बोलकर निकलते हैं, लेकिन जब वो वापस नहीं लौटते हैं और फोन भी बंद आता है तो पत्नी उनकी तलाश में निकल पड़ती है। और अगले दिन यानी 15 जुलाई पत्नी नीतू जैन पति हेमंत जैन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। 5 दिन के बाद अचानक पति का फोन आता है और उसके बाद शुरू होता है एक ऐसा सिलसिला जो सीसीटीवी की गुत्थी और पुलिस पर आरोप के रूप में कई सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल पत्नी नीतू जैन का कहना है कि उसके पति हेमंत जैन बच्ची के लिए दूध लेने का बोलकर अपने लाल कलर की जुपिटर से निकलते हैं और उसके बाद पत्नी गुमशुदगी और अपहरण की शंका के चलते लसुड़िया पुलिस में शिकायत करती है। पत्नी ने बताया कि 19 तारीख को उसके पति का फोन आया और पता चला कि वो खरगोन के महेश्वर थाने में बंद है। महेश्वर पुलिस ने 130 ग्राम ड्रग्स मामले में युवक की गिरफ्तारी का बकायदा हेमंत जैन को कोर्ट में पेश कर एक दिन की रिमांड भी मांगी थी। अब पत्नी का आरोप है कि महेश्वर पुलिस ने उसके पति से छोड़ने के एवज में रुपयों की मांग की थी। वहीं पत्नी की माने तो उसके पति को इंदौर में बिना नंबर के बोलेरो में ले जाया गया, जबकि गिरफ्तारी महेश्वर से बताई गई। पत्नी के इस मामले में सीसीटीवी के रूप में सबूत है और साक्ष्य के तौर पर अन्य सबूत भी पत्नी ने इंदौर DIG कार्यालय में दिए हैं। फिलहाल पति महेश्वर में कानूनी उलझनों में फंसा है। वहीं पत्नी महेश्वर पुलिस पर उसके पति को झूठा फंसाने के मामले को लेकर आरोप लगा रही है। ऐसे में DIG कार्यालय पर पहुंची शिकायत के बाद इस पेचिंदा मामले में पुलिस को ही पुलिस की पेचिंदगियां सुलझाना पड़ रही है। हालांकि मामला कोर्ट में है, लिहाजा इस पूरे मामले में पुलिस का अगला कदम क्या होगा ये भी एक बड़ा सवाल है। ढूंढा, आसपास ढूंढा, नहीं मिले। दूसरे दिन 15 तारीख को मैंने उनकी रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने सब दूर CCTV कैमरे में सब दूर आया, कुछ भी मतलब गाड़ी एक बिलोरो गाड़ी थी जिसमें बिना नंबर की प्लेट की उनको उठा के ले गई, हाथ पे पट्टी बांध के और हाथ बांध के। महेश्वर पुलिस उनको 5 दिन तक रखा, बहुत मारा, करंट लगाया है। आपको कैसे पता चला कि वो महेश्वर? एक फोन आया मेरे हस्बैंड को 19 तारीख के रोज, बोलते मैं यहाँ पर हूँ तुम आ जाओ, 25 लाख रुपये मेरे सामने मेरे से मांगे और मेरे को बहुत मारा है यहाँ पर। क्या कारण मानते हैं आप? कोई कारण नहीं सर, मेरे हस्बैंड घर से गए, कोई कारण नहीं होगा। 14 तारीख को मेरे हस्बैंड घर से गए थे सामान लेने के लिए, कोई कारण नहीं, उनका किसी से झगड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये झूठा केस लगाया उनके ऊपर। CCTV में क्या दिख रहा है? सब मेरे हस्बैंड घर पे खड़े हुए, एक आदमी उनको पकड़ लिया पीछे से, वो भाग रहेंगे। और उनकी गाड़ी लसुड़िया थाने में खड़ी है, मेरी स्कूटी पे देगी वो लसुड़िया में खड़ी है रेड कलर की। महेश्वर में किस बात का केस दर्ज कराया? MDPS 130 ग्राम माल रख दिया उनके ऊपर। क्या व्यापार करते हैं, क्या करते हैं? नीचे हमारी शॉप है टॉयज की, हमारा पूल क्लब है नीचे। कुछ विवाद पुराना किसी? कोई विवाद नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ मेरे हस्बैंड ने बताया। पुलिस वालों ने पैसे मांगे, जब पुलिस वालों को मालूम पड़ा कि केस दर्ज हो गया तो उनने 130 ग्राम माल उनके ऊपर जब्ती रख दिया। मतलब 14 तारीख को आपने आपके हस्बैंड की गुमशुदगी दर्ज कराई थी? 15 तारीख को करवाई थी। कौन से थाने में? लसुड़िया थाने में। और उसके बाद ये महेश्वर का केस कब दर्ज करा पुलिस ने? 18 तारीख को करा। उसके बाद आप गए? बोला महेश्वर से उनको पकड़ा है हमने बाइक के साथ में, जो कि मेरे हस्बैंड को लेके घर से गए हैं वो पकड़ के। तो जब कैसे करेंगे वो 18 तारीख को? आपका नाम बता दीजिए। नीतू जैन, मेरी एक छोटी सी बेटी सर, मैं बहुत परेशान हूँ, अकेले घर में करने वाली हूँ।